आज जम्मू दौरे पर पहुंच रहे हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की यहां समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, आपको बता दें, 30 जून को कार्यभार संभाला था और अब जम्मू क्षेत्र का आज उनके द्वारा दौरा किया जाएगा। सुरक्षा स्थितियों को लेकर समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां सुरक्षा स्थिति की समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। जनरल द्विवेदी ने 30 जून को सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला था। उनके इस दौरे का महत्व बढ़ गया है क्योंकि ये आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के बीच उनका दौरा होने जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमले जो हैं इसके लिहाज से भी आगे किस तरह के प्रयास किए गए हैं, किस तरीके से सख्ती बरती गई है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है, इसकी समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। जनरल द्विवेदी शीर्ष सेना कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो दिन पहले नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकवाद को कुचलने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई थी। और अब देखिए, उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू के दौरे पर, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम स्थितियों की समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। शीर्ष सेना कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू का महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। इस दरमियान शीर्ष सेना के कमांडरों के साथ हालिया जो स्थितियां हैं उसकी समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, अभी तक जो सूचना सामने आ रही है वो सूत्रों के से ही खबर आ रही है कि आज जनरल द्विवेदी जब जम्मू पहुंचेंगे तो उसके बाद उनकी डीजी पुलिस, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ और सभी आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी। जिस तरह से पीछे कुछ दिनों से लगातार सेना पे हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण है और आपस में समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है। इसलिए मीटिंग बहुत जरूरी है ताकि एक दूसरे के साथ जो है जितनी भी इनके पास खुफिया जानकारी उसको साझा किया जाए ताकि कंबाइंड ऑपरेशन चलाया जा सके। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भली भांति समझी है, क्योंकि वो लोकल है। आर्मी को उनको साथ लेके चलना भी बहुत जरूरी है और वही पुलिस को भी आर्मी का साथ की बहुत जरूरत है। ऐसे में एक साथ ऑपरेशन किए जाए ताकि जो जितनी भी कैजुअलिटी है वो हमारी तरफ की कम हो, हमारी सुरक्षा बलों की कम हो और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया जाए। जी प्रीति, यहाँ पर बीते कुछ दिनों में विकास अगर बात की जाए तो घाटी में आतंकी गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। कई जगहों पर मुठभेड़ की खबरें सामने आई, हमारे जवान भी शहीद हुए। देश की सुरक्षा को लेते हुए देश के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान उनके द्वारा दिया गया, बावजूद इसके आतंकियों की तरफ से लगातार नापाक कोशिशें जारी हैं। इस बीच में जनरल द्विवेदी का ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से मुमकिन है कुछ खास संदेश दिए जाएं, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और अभी जो सुरक्षा व्यवस्था को और गियर अप करने की जरूरत है, इस दिशा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण उनका ये दौरा रह सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भी सूत्रों के बारे से खबरें आ रही हैं कि अतिरिक्त सेना को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से घाटी को छोड़कर जम्मू संभाग में ज्यादा जो है वो हमले हो रहे हैं, आतंकवाद ज्यादा फैल रहा है। और जो सूत्रों के द्वारा से खबरें आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 स्क्वायर फीट किलोमीटर के बीच में 20 के आसपास आतंकवादी इतने एरिया में 20-20 के आसपास मौजूद हैं, जो छोटे छोटे 3-3, 4-4 के ग्रुप में बंटकर लगातार अलग अलग इलाकों में हमला कर रहे हैं, ताकि एक इलाके में जब खोजी अभियान चलता है, जब भी वहां पे कॉर्डन सर्च कुछ चलता है तो दूसरे इलाके की तरफ से जो उनका ग्रुप होता है वो हमला करता है ताकि उधर से ध्यान हटाकर दूसरे इलाके की तरफ किया जाए। क्योंकि अगर वहां पर जैसे जैसे कड़ा हो जाता है इनका कॉर्डन सर्च ऑपरेशन तो उनके आतंकवादियों के फंसने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए अब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को उतारा गया है ताकि हर एरिया में पर्याप्त सुरक्षा बल रहे और हर एरिया को अच्छी तरह से कॉर्डन ऑफ करके इन आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा जाए। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।